क्या है? देखिए, हाइड्रोजन की खोज किसके किनके द्वारा की गई थी? तो चार विकल्प हैं, आंसर सभी लोग कमेंट में बताते जाएंगे क्या है इसका राइट आंसर। बताइए तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन की खोज किनके द्वारा की गई थी, किसके द्वारा की गई थी हाइड्रोजन की खोज? चार विकल्प हैं और आपका यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह क्या है? और आपका राइट आंसर यहाँ पर बी, विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। कैवेंडिश आपका यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर बी यहाँ पर सही आंसर है। बी आपके लिए याद रखना है, कैवेंडिश। देखिए, इन्होंने 1766 में इसकी खोज की थी हाइड्रोजन की, यह आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या है, कौन सा तत्व सूर्य में सर्वाधिक पाया जाता है? सूर्य में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है यह आपके लिए बताना है। चार विकल्प हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन। तो इस प्रकार आपके सामने चार विकल्प हैं क्वेश्चन नंबर दो का, यहाँ पर सभी लोग आंसर बताएंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर दो का राइट आंसर सभी लोग बताएं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं क्वेश्चन। तो सभी लोग यहाँ पर आंसर बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर दो। और इसका जो राइट आंसर है, कौन सा तत्व सूर्य में सबसे अधिक पाया जाता है, आपका आंसर है विकल्प नंबर एक। बिल्कुल सही, जिन्होंने भी ये बताया विकल्प नंबर एक, उनका राइट आंसर है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन याद रखना है, विकल्प नंबर एक आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, हाइड्रोजन। देखिए, ब्रह्मांड में पृथ्वी पर नहीं, यह सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तारों तथा पृथ्वी, तारों और सूर्य का अधिकांश द्रव्यमान हाइड्रोजन से बना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? ब्रह्मांड में कौन सा तत्व है जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन। तो चार विकल्प है क्वेश्चन नंबर तीन का, यहाँ पर राइट आंसर बताना है। सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर तीन क्या इसका राइट आंसर, सभी लोग बताएंगे। सालू जी, सविता जी, लोकेंद्र जी, राधा, विश्वकर्मा जी, संध्या सेन जी, शिवानी जी, सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर तीन है, कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? और क्वेश्चन नंबर तीन का यहाँ पर राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर बी। विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर है पवन जी, बी में है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन याद रखना है, विकल्प नंबर बी आपके यहाँ पर सही आंसर होगा, हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में पृथ्वी पर नहीं, यह सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तारों तथा सूर्य का अधिकांश द्रव्यमान हाइड्रोजन से बना है, यह भी आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भविष्य का ईंधन किसको कहा जाता है? चार विकल्प है आपके सामने, हाइड्रोजन है, मीथेन है, प्राकृतिक गैस है या एथेनॉल है। तो इस प्रकार चार विकल्प है और भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है यह बताना है। क्वेश्चन नंबर चार का राइट आंसर क्या होगा? रामकिशोर जी इसका राइट आंसर, आरती जी, नेहा जी, सभी लोग बताएंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर चार है, निम्न में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? और क्वेश्चन नंबर चार का यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह है आपका विकल्प नंबर एक, यानी कि हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आपके लिए याद रखना है, जो हाइड्रोजन है इसको भविष्य का ईंधन, विकल्प नंबर एक आपके यहाँ पर। टीना जी बिल्कुल सही आंसर है, टीना जी विकल्प नंबर एक आपका राइट आंसर होगा। हाइड्रोजन जो है इसको भविष्य का ईंधन कहा जाता है। हाइड्रोजन में सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसका स्थानीय जो संसाधनों से स्थानीय स्तर पर उत्पादन किया जा सकता है। इस प्रकार इस यह दुनिया के लिए भविष्य का ईंधन साबित हो सकता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, वह तत्व जो अम्लों का आवश्यक तत्व घटक है, तो यह बताना है। क्वेश्चन नंबर पांच का राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर पांच है यहाँ पर, वह तत्व जो अम्लों का आवश्यक तत्व घटक है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम। चार विकल्प हैं क्वेश्चन नंबर पांच का यहाँ पर जो राइट आंसर है, तो आपके यहाँ पर राइट आंसर है वह कि वह तत्व जो अम्लों का आवश्यक तत्व घटक है वह है हाइड्रोजन, विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। हाइड्रोजन याद रखना है, विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, हाइड्रोजन। बिल्कुल सही, बी जिन्होंने नहीं बताया उनका राइट आंसर है हाइड्रोजन, अम्लों का आवश्यक तत्व घटक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर छह, वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक
वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों एक समान होता है। तो बताइए क्या है, हाइड्रोजन या लिथियम, ऑक्सीजन, क्लोरीन, चार विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पर सभी लोगों को आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पर सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है। और टेलीग्राम ग्रुप से सभी लोग जुड़ जाएं, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, वहीं पर आपके लिए पीडीएफ उपलब्ध कराई जाती है। और इसका राइट आंसर बताना है। पुष्पलता जी, पवन कुशवाहा जी, क्या इसका राइट आंसर, वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों एक समान होता है, हाइड्रोजन, आपके यहाँ पर राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही, जिन्होंने भी विकल्प नंबर 1 बताया है उनका राइट आंसर है, याद रखना है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 संकेत H और परमाणु जो भार है 1.008 है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के समस्थानकों की संख्या कितनी है। हाइड्रोजन के समस्थानकों की संख्या बताना है कितनी है, यह बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पर राइट आंसर बताना है, 2, 3, 4 या 5। और इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या है सालू जी, तो इसका राइट आंसर बताना है, हाइड्रोजन के समस्थानकों की संख्या कितनी है। तो आपके यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 7 का, सात का यहाँ पर राइट आंसर बताना है। और इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर बी, विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर होगा 3। 3 आपके यहाँ पर सही आंसर है, याद रखना है विकल्प नंबर बी। देखिए हाइड्रोजन के 3 जो समस्थानिक होते हैं, यह आपके लिए याद रखना है। देखिए यहाँ पर ए है, कौन कौन से, प्रोटियम और ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, यह आपके लिए याद रखना है। प्रोटियम, प्रोटियम का परमाणु संख्या 1 तथा द्रव्यमान संख्या भी 1 होती है। इसका निर्माण प्रयोगशाला में किया गया है किंतु प्राकृतिक रूप में नहीं मिलती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए क्या है अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक है नहीं है। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है, नहीं है। यहाँ पर चार विकल्प भी दिए हैं जिसका आंसर आपके लिए एक विकल्प का चयन करना है। क्या होगा इसका राइट आंसर, सभी लोग बताएंगे, हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है, प्रोटियम या ड्यूटेरियम या ट्राइटियम या ओजोन, तो चार विकल्प हैं। और आपका यहाँ पर जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का वह क्या है रुचि जी, क्या होगा इसका राइट आंसर, सभी लोग बताएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका है 8, और 8 का यहाँ पर राइट आंसर है ओजोन। ओजोन आपके यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी, बिल्कुल सही, डी जिन्होंने भी बताया उनका राइट आंसर है। बहुत सारे लोग यहाँ पर डी बता रहा, डी बिल्कुल राइट आंसर होगा ओजोन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, नहीं है। अब इसका राइट आंसर बताना है, यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर भी हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है, वही पूछा है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या है यहाँ पर, और क्वेश्चन नंबर 9 है, और इसका जो राइट आंसर है यहाँ पर वह है आपका विकल्प नंबर डी, आपका यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी, विकल्प नंबर डी आपका राइट आंसर है। अभी और लाइव क्लास कोई सी नहीं आ रही है, अभी तो सिर्फ यही बस आ रही है 4:05 पर जीएस की, यही बस सामान्य विज्ञान की बस आ रही है लाइव क्लास, यहाँ पर आपका विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि ट्राइटियम किसका समस्थानिक है, यह बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर, चार विकल्प है आपके सामने, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, तो इस प्रकार चार विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह क्या है, यह बताना है, सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर, नरेंद्र अहिरवार जी, टीना जी और रुचि जी, सभी लोग बताएंगे, सालू जी, क्या होगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का, और 10 का आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर बी, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर बी आपके यहाँ पर राइट आंसर है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन याद रखना है, विकल्प नंबर बी आपके यहाँ पर सही आंसर होगा। हाँ बिल्कुल सही, सभी लोग यहाँ पर बी बता रहे हैं। ट्राइटियम जो हाइड्रोजन का एक रेडियोधर्मी समस्थानिक है, इसे ट्राइटोन भी कहते हैं, यह भी आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न धातुओं में से कौन सी धातु नमक के तनु अम्ल की क्रिया से हाइड्रोजन गैस नहीं देती है।
तो चार विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बताना है राममणि कुशवाहा जी, क्या है इसका राइट आंसर? सभी लोग बताएंगे। चार विकल्प है आपके सामने कि निम्न धातुओं में से कौन सी धातु नमक के तनु अम्ल की क्रिया से हाइड्रोजन गैस नहीं देती है। और आपका क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर बी, आपके यहाँ पर राइट आंसर होगा बी, आपके लिए याद रखना है। तो बी जिन्होंने बताया है उनका राइट आंसर है बी में क्या है, सी यू, आपके यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जब रक्त तब लोहे के ऊपर भाप गुजारी जाती है तो कौन सी गैस प्राप्त होती है? क्वेश्चन नंबर 12 के यहाँ पर राइट आंसर बताना है ऑक्सीजन, या जो अगला विकल्प है आपका प्रोड्यूसर गैस, या हाइड्रोजन, या जल गैस। तो चार विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह क्या है, सभी लोग बताएंगे यहाँ पर। और वीडियो को सभी लोग लाइक कर लें, सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। और क्वेश्चन नंबर 12 का यहाँ पर राइट आंसर बताना है नेहा जी, क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 12, और इसका जो राइट आंसर है यहाँ पर वह है आपका क्या है, विकल्प नंबर सी। विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही, विकल्प नंबर सी जिन्होंने बताया उनका राइट आंसर है क्या है सी में, सी में हाइड्रोजन। हाइड्रोजन याद रखना है, विकल्प नंबर सी आपके यहाँ पर सही आंसर होगा, हाइड्रोजन। देखिए, रक्त तृप्त लोहा भाप के साथ अपघटित होकर यहाँ पर फेरा सोफेरिक जो ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पर, कि हाइड्रोजन को वायु में जलाने से प्राप्त होता है, हाइड्रोजन को वायु में जलाने से प्राप्त होता है जल, या हाइड्रोजन क्लोराइड, या एल्कोहल ईंधन। तो ईथर है यहाँ पर, क्या होगा इसका राइट आंसर? सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर, चार विकल्प हैं आपके सामने। और इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का, बिल्कुल सही, जल। जल आपके यहाँ पर राइट आंसर होगा। जिसने भी विकल्प नंबर एक बताया है उनका राइट आंसर है जल। की यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, हाइड्रोजन को वायु में जलाने से प्राप्त होता है जल, विकल्प नंबर एक आपका सही आंसर होगा, याद रखना है। देखिए, हाइड्रोजन वायु या ऑक्सीजन में जलता है, जलने का ताप ऊंचा होता है, ज्वाला रंगहीन होती है, जलकर जो है जल, और यहाँ पर क्या है, जल में H2O मात्रा में हाइड्रोजन पेराक्साइड बनाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 14 का, पूजा जी, मोना वर्मा जी, पारू कुशवाहा जी, रुचि जी, सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर कि वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, या नाइट्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन है और नियोन है। तो इस प्रकार चार विकल्प है आपके सामने, और आपका यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पर, और 14 का यहाँ पर जो राइट आंसर है बिल्कुल सही, विकल्प नंबर सी, बिल्कुल सही, जिन्होंने भी सी बताया उनका राइट आंसर है हाइड्रोजन, याद रखना है, विकल्प नंबर सी आपके यहाँ पर सही आंसर होगा, हाइड्रोजन। देखिए, वनस्पति घी के निर्माण में हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है। वनस्पति घी वनस्पति तेल से बनता है, इसे ठोस बनाने के लिए हाइड्रोजनीकृत किया जाता है। शुद्ध घी के बनावट और स्वाद की नकल करने के लिए इसे जो है हाइड्राजनेशन जो किया जाता है, और ट्रांस फैटी एसिड सामग्री में वृद्धि हाइड्रोजनीकरण का कारण है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 15, कि खाना पकाने के लिए तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जा सकता है? हाइड्रोजनीकरण द्वारा, या क्रिस्टलीकरण द्वारा, या आसवन द्वारा, या उपचयन द्वारा। तो इस प्रकार चार विकल्प हैं क्वेश्चन नंबर 15 के यहाँ पर, सभी लोग आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 के यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सभी लोग बताएंगे, खाना पकाने के लिए तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जा सकता है? आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है
15 का वह है विकल्प नंबर एक। जिन्होंने भी एक बताया है यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने विकल्प नंबर एक बताया, उनका राइट आंसर है हाइड्रोजनीकरण द्वारा, आपके यहाँ पर सही आंसर होगा। हाँ बिल्कुल सही, विकल्प नंबर एक आपके यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से हाइड्रोजन के बड़े खंडों को कौन अवशोषित करेगा? तो चार विकल्प हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है यहाँ पर, और 16 के यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह क्या है। निम्न में से हाइड्रोजन के बड़े खंडों को कौन अवशोषित करेगा? तो आपके यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 16 है इसका राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर विकल्प नंबर एक। विकल्प नंबर एक आपके यहाँ पर राइट आंसर है, पैलेडियम का कोलाइडी और बिलियन, यह आपके लिए याद रखना है, विकल्प नंबर एक आपके यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पैलेडियम तथा प्लेटिनस के समान धातु विशेष परिस्थितियों में हाइड्रोजन का बहुत अधिक आयतन अवशोषित कर लेती हैं, धातु द्वारा अवशोषित हाइड्रोजन कहलाती है, यह बताना है क्या कहलाती है। चार विकल्प है, क्वेश्चन नंबर 17 का यहाँ पर जो राइट आंसर है वह क्या है यह बताना है। सभी लोग बताएंगे, ऋतु जी, नितिन जी, नरेंद्र जी, माखन जी, रुचि जी, सभी लोग बताएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। रोज अपनी ए क्लास होती है 4:05 पर, 4:05 पर, और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, तो यहां से आप टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कर लें। और क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर बी, अधिधारित हाइड्रोजन आपके यहाँ पर सही आंसर होगा, विकल्प नंबर बी आपके यहाँ पर सही आंसर है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, जल एक उत्कृष्ट विलायक है क्योंकि इसके अणु हल्के भार वाले होते हैं, उदासीन है, अत्यधिक ध्रुवीय है या अध्रुवीय है? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर बताना है। चार विकल्प है आपके सामने, इसका राइट आंसर क्या होगा। जल एक उत्कृष्ट विलायक है क्योंकि इसके अणु, तो क्वेश्चन नंबर 18 के यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है अत्यधिक ध्रुवीय होते हैं, विकल्प नंबर सी आपके यहाँ पर राइट आंसर होगा। पुष्पलता, गौतम जी, माखन जी, विकल्प नंबर सी आपके यहाँ पर सही आंसर है। और देखिए अगला क्वेश्चन है, आयतन के अनुपात में जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है, तो यह क्या होगा इसका राइट आंसर। आयतन के अनुपात में जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है 1:8 का अनुपात, 2:1 का अनुपात, 1:2 का अनुपात, 8:1 का अनुपात, तो इस प्रकार चार विकल्प हैं। इसका राइट आंसर क्या है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 19, और इसका जो राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर बी आपके यहाँ पर सही आंसर है, 2:1 का अनुपात, विकल्प नंबर बी आपके लिए याद रखना है, 2:1 का अनुपात। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात होता है, तो यहाँ पर अब आपके लिए भार के अनुपात में बताना है। अभी आपको जो आयतन के अनुपात में बताया था, भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है कितना होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, और इसका जो राइट आंसर है आपका वह है विकल्प नंबर एक, 1:8 का अनुपात, 1:8 का अनुपात, यानी कि विकल्प नंबर एक आपके यहाँ पर सही आंसर होगा, याद रखना विकल्प नंबर एक। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए क्या है, शुद्ध जल होता है, यह बताना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, शुद्ध जल होता है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, इनमें से कोई भी नहीं, चार विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो सभी लोग बताएंगे क्या है इसका राइट आंसर, कि शुद्ध जल होता है कैसा होता है, क्षारीय, अम्लीय, उदासीन, तो आपके यहाँ पर जो राइट आंसर है विकल्प नंबर सी आपके यहाँ पर राइट आंसर होगा, उदासीन, विकल्प नंबर सी आपके लिए याद रखना है। जिन्होंने भी सी बताया उनका राइट आंसर है उदासीन, याद रखना है। सविता जी, विकल्प नंबर एक आप सॉरी सी आपके यहाँ पर राइट आंसर होगा, शुद्ध जल का, शुद्ध जल उदासीन होता है जिसका पीएच मान सबको पता है 7 होता है, पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है जबकि अम्लीय जल विद्युत का सुचालक होता है, वर्षा जल सर्वाधिक शुद्ध जल होता है, यह भी आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है तो सबको पता है क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर है 7, शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7, ऊपर ही पढ़ लिया है विकल्प नंबर
बी आपके यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? क्वेश्चन नंबर 23 का यहाँ पर सभी लोग आंसर बताएंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे। पुष्पलता जी, संध्या सेन जी, मोना जी, नितिन चौहान जी, सभी लोग बताएं। राधा जी, क्या है इसका राइट आंसर कि जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? तो आपके यहाँ पर राइट आंसर है क्या है, विकल्प नंबर आपके यहाँ पर डी राइट आंसर होगा। हाँ बिल्कुल सही, जिन्होंने भी डी बताया है उनका राइट आंसर होगा कि शुद्ध जल का तापमान सर्वाधिक होता है, किस तापमान पर सर्वाधिक होता है, विकल्प नंबर डी याद रखना है आपके लिए, डी आपके यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर पानी का घनत्व बताना है क्या होगा? 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है फिर घटता है, 4 डिग्री सेल्सियस तक घटता है फिर बढ़ता है, तापमान बढ़ने के साथ साथ घटता है, तापमान बढ़ने के साथ साथ जो है यहाँ पर यह जो विकल्प है डबल हो बढ़ता है यहाँ पर घटता है। हाँ चार विकल्प है, सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर। तो दीपक जी, क्या है इसका राइट आंसर? दीपक परमार जी, क्वेश्चन नंबर 24 है और इसका राइट आंसर होगा आपका विकल्प नंबर एक। एक आपका यहाँ पर राइट आंसर है क्या है, 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है और फिर घटता है, यह आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन सल्फाइड और यहाँ पर है हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल उच्च कथनांक किसके कारण होता है? ध्रुवीय सहसंयोजी आबंधन, या यहाँ पर अगला विकल्प है हाइड्रोजन आबंधन, या वांडरवाल आकर्षण, या द्विध्रुवी रोधन। तो इस प्रकार चार विकल्प हैं क्वेश्चन नंबर 25 का यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह क्या है यह बताना है। तो सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है और इसका जो राइट आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर बी, हाइड्रोजन आबंधन आपके यहाँ पर राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर बी याद रखना है आपके लिए, हाइड्रोजन आबंधन विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर है। हाँ बिल्कुल सही, जिन्होंने भी बी बताया उनका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जल का रासायनिक सूत्र है, जल का रासायनिक सूत्र बताना है, सभी लोग बताएंगे। बहुत ही सरल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर। संध्या सेन जी, क्या है इसका राइट आंसर? नरेंद्र अहिरवार जी, पूजा जी, सभी लोग बताएंगे कि जल का रासायनिक सूत्र है, तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर बताना है। चार विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, सभी लोग इसका राइट आंसर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 26 का। सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, एक बार वीडियो को सभी लोग लाइक कर लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 26 का यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह है आपका विकल्प नंबर सी, विकल्प नंबर सी H2O, H2O आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर सी आपके यहाँ पर सही आंसर है। जल का रासायनिक सूत्र H2O है। जल यानी कि पानी प्रकृति की एक ऐसी सौगात है जो जीवन का प्रवाह कर रही है। और देखिए रासायनिक शास्त्र में हाइड्रोजन H2 और ऑक्सीजन O का योग ही जल बनाता है, जल जिसका अणु 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का परमाणु से बना है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर विश्व में कितने प्रतिशत भूभाग पर जल है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, तो सभी लोग आंसर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 27 का। लोकेंद्र धाकड़ जी, क्या है इसका राइट आंसर? सभी लोग बताएंगे, विश्व में कितने प्रतिशत भूभाग पर जल है? 71%, 76%, 66%, 29%, चार विकल्प, और इसका जो राइट आंसर है आपका वह है विकल्प नंबर एक, बिल्कुल सही, जिन्होंने भी विकल्प नंबर एक बताया उनका राइट आंसर है 71%। हाँ बिल्कुल सही, जिन्होंने भी ये बताया उनका राइट आंसर, सभी लोग यहाँ पर ये बता रहे हैं, बिल्कुल सही है, 71% भूभाग पर जल है। देखिए पृथ्वी का 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है और 1.6% पानी जमीन के नीचे है और 0.001% बाष्प और बादलों के रूप में है। पृथ्वी की सतह पर जो पानी है उसमें 97% सागरों और महासागरों में है, यह भी आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पानी में नमक मिलाने पर पानी क्वथनांक और हिमांक बढ़ जाएगा, घट जाएगा क्रमशः बढ़
और घट जाएगा या घट और बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार चार विकल्प हैं क्वेश्चन नंबर 28 का। सभी लोग यहां पर राइट आंसर बताएंगे। नितिन चौहान जी, रुचि जी, नरेंद्र जी, रामनी कुशवाहा जी, पूनम जी, प्रशांत जी, नेहा जी, सभी लोग आंसर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर। पानी में नमक मिलाने पर पानी क्वथनांक और हिमांक में क्या बदलाव होगा? और आपके यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है विकल्प नंबर सी। विकल्प नंबर सी आपके यहाँ पर राइट आंसर होगा कि क्रमशः बढ़ जाएगा और घट जाएगा। यह आपका जो है राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी आपके यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में जल का कीटाणु नाशन किया जाता है, तो इसका सभी लोग आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है, सभी लोग आंसर बताएंगे क्या है इसका राइट आंसर कि ग्रामीण क्षेत्रों में जल का कीटाणु नाशन किया जाता है। चार विकल्प हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है और इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या है ना, और इसका जो राइट आंसर है वह विकल्प नंबर बी, क्लोरीन द्वारा। क्लोरीन आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। जिन्होंने भी विकल्प नंबर बी बताया है उनका राइट आंसर है क्लोरीन। याद रखना है क्लोरीन को पानी में मिलाने से जो है माइक्रो बैक्टीरिया एवं कैलिफॉर्म जो बैक्टीरिया है वह मर जाते हैं, वहीं दूसरी ओर जल में क्लोरीन की अधिक मात्रा से कैंसर, कोशिका क्षति, अस्थमा, आंतों और गुर्दों में ट्यूमर, हृदय की समस्या जैसी जो बीमारियां हैं यह भी हो जाती हैं। साथ साथ क्लोरीन युक्त जल बच्चों के लिए भी हानिकारक होता है। अगला क्वेश्चन है, पोटेशियम पर मैंगनेट जल को कीटाणु रहित बना देता है, स्वादिष्ट बना देता है, पारदर्शक बनाता है या दुर्गंध मुक्त बनाता है? क्वेश्चन नंबर 30 है, चार विकल्प हैं आपके सामने, सभी लोग इसका राइट आंसर बताएंगे क्या है इसका राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 30 है, पोटेशियम पर मैंगनेट जल को क्या करता है? तो इसका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर एक, कीटाणु रहित बनाता है, यानी कि विकल्प नंबर एक आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर एक जिन्होंने बताया उनका राइट आंसर है विकल्प नंबर एक। पोटेशियम परमैंगनेट जल को शुद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है। पोटेशियम जो है एक साधारण अकार्बनिक रासायनिक होता है जिसका प्रयोग जल में जो मैंगनीज एवं सल्फर की अशुद्धियों को दूर करने के लिए किया जाता है, इसका प्रयोग यह आपके लिए याद रखना है। और आज के वीडियो में बस इतना ही। सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और ऑल पर क्लिक करें।